आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं अपूर्वा ठाकुर, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय से। मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, आशंका या डिलमा नहीं है और इसका पूर्ण श्रेय जाता है आपको। आपने जिस प्रकार यूथ को एम्पावर किया है, मोटिवेट किया है, इससे हमारे समक्ष एक रास्ता खुल गया है अपने भविष्य को लेकर के। मैं नमो ऐप को नियमित रूप से प्रयोग करती हूँ और जब मैं भी चौकीदार इवेंट के लिए रजिस्टर किया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज आपके समक्ष खड़े होकर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। और इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज एक आम नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप जीतेंगे और इस बार जब आप शपथ लेंगे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी हम चौकीदारों से क्या अपेक्षा है, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने एक सामान्य नागरिक के दिल की बात को बोला है और आपने बड़े विश्वास से कहा है कि देश की जनता फिर से एक बार देश की सेवा करने का मौका हमें देने वाली है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के युवा दूर का देखते हैं। हम राजनेता तो अभी 1 तारीख को 11 तारीख को पोलिंग होगा तब क्या होगा, 21 तारीख को पोलिंग होगा तो क्या होगा, उसी में लगे पड़े हैं। आप शपथ का सोच रही हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, इसकी अपनी एक ताकत होती है और इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इन सब के और से सामान्य जनता से जो आपने सुना है, मेट्रो में जाते आते लोगों से बात की, उसके आधार पर आपने कहा है। जब मैं शपथ लूंगा, वो शपथ अकेला मोदी नहीं लेने वाला है, एक सौ तीस करोड़ हिंदुस्तानी लेने वाले हैं। और सबसे बड़ा शपथ होता है हम अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए जागृत होंगे ही होंगे लेकिन अपने कर्तव्य में कभी भी कोताही नहीं बरतेंगे। एक टीचर अपना कर्तव्य निभाता है तो विद्यार्थी का और देश का भविष्य बदल जाता है। एक पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभाता है तो समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। और उस अर्थ में हमारे देश में पिछले 5 साल जो मुझे सफलता मिली है उसका मूल कारण जन भागीदारी है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज स्वच्छता यह आंदोलन मोदी का नहीं, 125 करोड़ देशवासियों का बन गया? और यह हब आप चौकीदार बने तभी हुआ है और यह बिना शपथ लिए हुआ है। अगर इस बार आप शपथ लेके करोगे तो पता नहीं परिणाम कितना बड़ा आएगा। हर व्यक्ति के अपने सपने होते हैं और होने भी चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन हम तय करें कि सबसे ऊपर देश,
आप देखिए सारी समस्याओं का समाधान हम खुद ही अपना आप निकाल देंगे। मैं फिर एक बार आपका आभारी हूं।